ही प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी। बाबा जी का बहुत ही प्यारा सत्संग सुनने मिलिया। आओ बाबा जी के सत्संग के मेन मेन पॉइंट्स समझ के उन्हों अपने जीवन के धारण करिए, बाबा जी की खुशी प्राप्त करिए। बाबा जी ने सत्संग विच फरमाया कि सब कुछ घर दे विच है, शरीर रूपी इस घर दे विच सब कुछ है। उन्होंने बाबा जी ने अंतरमुखी होने ते बहुत जोर दिता कि अंतरमुख हो के भजन सिमरन करके असी वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हाँ जिंदी सानू इच्छा है, उस तो बाद कुछ प्राप्त करन योग रह ही नहीं जाता। बाबा जी ने कहा जदों तक असी किसी चीज़ का स्वाद नहीं चख लेंदे सानू उहदी मिठास का नहीं पता लगता। बाबा जी ने कहा जदों तक असी अंतरमुखी नहीं होवांगे, भजन सिमरन नहीं करांगे, इस शरीर रूपी घर दे विच बाबा जी ने कहा तुहानू सब कुछ मिलेगा, लोड़ है केवल अंतरमुखी होने की, भजन सिमरन करन की। बाबा जी ने कहा कि सारियां सेवावां मुबारक हैं, लेकिन सच्ची सेवा भजन सिमरन है, और वही अच्छा सेवक है, सच्चा सेवक है सतगुरु का जो रोज़ भजन सिमरन नू पूरा पूरा टाइम देता है। बाबा जी ने कहा कि सारियां सेवावां मुबारक हैं, लेकिन उन्होंने शुरू करन तो पहले जिहड़ी सब तो वड्डी सेवा है वो अमृत वेले उठ के कदी मिस नहीं करनी, इस सेवा नू अच्छी तरह पूरा पूरा टाइम देना है, सब तो वड्डी सेवा है, ते वही सब तो वड्डा सच्चा सेवक है। बाबा जी ने कहा कि जिस तरह असी दुनियावी रिश्ते निभाते हाँ, इस तरह परमात्मा के प्रति भी साडा एक रिश्ता है, उन्हों भी असी पूरी जिम्मेवारी दे नाल ही निभाना है। बाबा जी ने कहा जिथे असी अपने परिवारिक रिश्तियां नू पूरा पूरा टाइम देंदे हाँ, जिम्मेवारी निभाते हाँ, इस तरह असी परमात्मा दे प्रति जो साड़ी जिम्मेवारी है उन्नू भी बहुत अच्छी तरह निभाना है। बाबा जी ने सत्संग अगे वधांदिया होया कहा कि कोड़ी बदले जीवन गुआया। उन्होंने कहा कि ये जीवन बहुत अनमोल है, इनू कोड़ियां दे भाव नहीं गुवाना, इनका एक एक पल सार्थक करना है, क्योंकि ये जड़ा जन्म है कोड़ी बदले हीरे वर्गा जन्म, इनू वेस्ट नहीं करना। बाबा जी ने अगे फरमाया कि परमात्मा नू समझन तो पहला खुद इंसान बनने की कोशिश करो। बाबा जी ने कहा कि जदों तक तुसी खुद इंसान नहीं बनते, अपने आप नू ही नहीं पहचानते, तो परमात्मा नू की पहचानांगे। बाबा जी ने इंसानियत ते बहुत जोर दिता कि खुद इंसान बनो, इंसान बनांगे तां जा के सानू परमात्मा की पहचान होनी है। बाबा जी ने कहा कि हजे तो जदों तक असी भजन सिमरन नहीं करते, अपनी दोनों अखां दे विचकार मन नहीं टिकांदे, तद तक तो रूहानी सफ़र शुरू ही नहीं होना। रूहानी सफ़र शुरू होएगा, रूहानी सफ़र तय करांगे तां जा के सानू कुछ समझ आनी है, तां जा के सानू कुछ पता लगना है, इस करके अपने रूहानी सफ़र नू जल्दी तो जल्दी तय करना है। बाबा जी ने एक मेन पॉइंट किया कि जगह जगह तो मंगन की लोड़ नहीं है। बाबा जी ने कहा कि जो परमात्मा सारी सृष्टि नू चला रहा है, जी वो देना जानता है, तो उन्हों अच्छी तरह पता है कि सानू की चाहिदा है,
इस करके मंगन की लोड़ नहीं है, परमात्मा साढ़े तो बेहतर जानता है साढ़े वास्ते की ठीक है। इस करके बाबा जी ने कहा कि मंगना नहीं, अरदास करनी एक अलग गल है, लेकिन जगह जगह पर जाके मंगना नहीं है, परमात्मा बेहतर जानता है कि साढ़े वास्ते की अच्छा है। बाबा जी ने सत्संग नूं अगे वधांदियां होया कहा कि यह शरीर ही सच्चा तीरथ है, इंदे विच ही स्नान करना है, इंदे विच ही बैठ के भजन सिमरन करना है, इंदे नाल ही अच्छे कर्म करने हन। बाबा जी ने कहा कि इस शरीर नूं ही मंदर बनाना है, ये शरीर ही गुरद्वारा है, ये शरीर ही सच्चा तीरथ है, इंदे विच ही भजन सिमरन करद्यां करद्यां होया नाम दा स्नान करना है, तां जाके जन्मा जन्मा दे जिहड़े बुरे कर्म हन वो नष्ट होने हन। बाबा जी की प्यारी सत्संग जी, बाबा जी ने अज बहुत ही प्यारा सत्संग फरमाया, उन्दे विचों असी केवल जो मेन पॉइंट्स ही ले हन, जेकर असी इन्हां नूं ही जीवन दे विच धारण कर लईए तो साढ़े जीवन की तस्वीर ही बदल जाए। अपने जीवन नू बदलना यही सत्संग दा मकसद है, केवल सत्संग सुन के बाहर आ जाना, सत्संग नू सुनना ये भी एक बहुत वड्डी सेवा है, पूरी एकाग्रता दे नाल सुनना और उनू अपने जीवन दे विच धारण कर लेना, तां ही सत्संग दी सार्थकता है। बाबा जी ने कहा कि ये जो सत्संग है इन दे नाल अपने आप नू बदल देना है, अपनी जिंदगी दी तस्वीर नू बदलांगे तां ही सत्संग दी सार्थकता है। बाबा जी दी प्यारी सत्संग जी, जो अज बाबा जी ने हुक्म दिता, जेकर असी नू अपने जीवन दे विच ढालीए तो साडा जीवन सचमुच बदल सकता है। बाबा जी दी प्यारी सत्संग जी, जे तुहानू लगता है कि ये सत्संग बाबा जी का बहुत प्यारा है तो जिहड़ी संगत नहीं आ सकी, ये सारी संगत तक इस सत्संग नू शेयर करना है ताकि सारी संगत नू इस सत्संग का लाभ मिल सके। बाबा जी की प्यारी सत्संग जी, राधा स्वामी।